चोरों का भारत है। सर तो दूर, परिंदे के पर को भी नहीं ले जा सकता कोई। क्या होगा जब विश्व विजयी सिकंदर का मुकद्दर बनेगा बोरस? ख्वातीन और हज़रात, डी डी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में हम आपका खैर मकदम करते हैं। पिछली बार जब हमने बात की थी किस तरह से यूनानी तिब हिंदुस्तान पहुंची और किस तरह लोगों ने इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, ऐसी क्या खासियत रही होगी इस तिब में कि बाहर की होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने इसे अपनाया। अरे यूँ तो यूनानी तिब में कई खासियतें हैं, मसलन बीमारी की पहचान करने के तरीके। आज की कड़ी में हम इसी पर तवज्जो देंगे। यूनानी तरीका इलाज में नब्स को बहुत अहमियत दी गई है, लेकिन महज नब्स को महसूस करके ही मरीज के हालात का बयान कर देना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए लंबे तजुर्बे की दरकार पेश आती है, और जाहिर सी बात है कि तजुर्बा एक दिन में तो आता नहीं है। इसके लिए जरूरत पड़ती है कई सालों की कड़ी मेहनत और रियाजत की, जो एक बढ़िया हकीम की देख रेख में ही हो पाती है। यूनानी जो तरीके इलाज है ये होलिस्टिक अप्रोच का हामिल है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि पूरी बॉडी को एक जिस्म तसव्वुर किया जाता है और हर आर्गन हर अज़्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। चुनांचे अगर किसी एक आर्गन में कोई तकलीफ़ होगी, कोई बीमारी होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, तो दूसरे ऑर्गन्स भी उससे अफेक्टेड होंगे। इसलिए हकीम जो यूनानी मेडिसिन का डॉक्टर है वो मरीज़ को उसके मिजाज को समझने की कोशिश करता है और किस वजह से ये बीमारी हुई है उस वजह को तलाश करने की कोशिश करता है। बहुत से अमराज ऐसे होते हैं कि आदमी के जहन से आदमी की सूरत देख के ही मालूम हो जाते हैं कि शक्ल में आदमी आ रहा है। हमारे पास जब मरीज आता है तो हम सबसे पहले उसके शक्ल देखते हैं और उसके बाद नब्ज़ देखते हैं। नब्ज़ देखते तो मालूम हो जाता है कि नब्ज़ की जो कुव्वत है इंबिसाती और इनकबादी, यानी एक खुलने की और एक बंद होने की कुव्वत है। मुझे दोनों के दोनों का एहसास होता था कि बंद होने की कुव्वत में क्या आ सकता है और खुली में क्या होता है। अब ये आदमी अगर मश्क करे आज ही समझ सकता कि किस मर्द में क्या तकलीफ होती है, किस मर्द में नफ्स कैसी चलती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आदमी गौर नहीं करता है और मश्क नहीं करता है। नफ्स के बारे में तिब्बा कहते थे कि साहब जो है ये बदन का वो अमल है कि जिससे कि बदन के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों को महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है, और इसीलिए बहुत अरसे तक नब्ज़ के ऊपर बहुत एम्फसाइज़ किया जाता रहा। लोग नब्ज़ को अब देखते रहे और आज भी नब्ज़ की अपनी अहमियत है, लोग उसको इस्तेमाल में लाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो तबीब है वो अपनी हदाकत पर उसके डिपेंड करता है, कितना नब्ज़ को समझता है, कितना नब्ज़ के बारे में जानता है, कितना नब्ज़ को महसूस कर सकता है। जब आप 100-200 मरीज 500 मरीज़ देखेंगे तब ये अवेयर करना पड़ता है, आपको सेंस ऑफ टच को डेवलप करना पड़ता है उंगलियों को आपके, तो उसके हिसाब से वो चीज़ बताई जा सकती है, वैसे डिफाइन नहीं की जा सकती। वो ये सेंस ऑफ टच का मैटर है। तभी नब्ज़ होती है तो उसमें दो दलालतें होती हैं, एक तो ये है कि आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, एक आदमी ज़्यादा कुव्वत भी हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है लेकिन आदमी अगर कभी है, जब भी उसकी नब्ज़ कभी होगी वो पल्स जो है वो नब्ज़ जो है वो उंगलियों पर बाकायदा 3 हिस्सों बाग हमारे लगेगी, हम उससे समझेंगे नब्ज़ जो है वो कभी है और आदमी के अंदर कुव्वत है। अगर नब्ज़ जो है वो ज़यीफ़ है और उसका मलमस हल्का सा जो है मामूली ठंडा है या गर्म है, हम उससे महसूस करते हैं कि इसके मिजाज में किसकी क्या हरारत है या बरूदत है या इसके मिजाज में सफराबियत है या बलगमियत है, उसी के एतबार से हम समझते हैं और उसी एतबार से नब्ज़ देखते हैं। अब जैसे मैं एक जनरल चीज़ आपको बता दूँ
कि खिलत बलगम के फसाद के नतीजे में जो नब्ज मिलेगी वो लयन और बती कहलाती है, और सौदा के इम्बेलेंस के नतीजे में जो नब्ज होती है वो सलिब और मुख्तलिफ कहलाती है, और सफरा के इम्बेलेंस के नतीजे में जो नब्ज होती है वो सरी होती है यानी तेज़ होती है और कंटिन्यूस होती है, और उसके अलावा दम के नतीजे में या खून की खराबी के नतीजे में जो नब्ज होती है वो नब्ज अजीम कहलाती है। ये मोटी मोटी किस्में हैं। वो अमराज के जिनके अंदर वर्म होता है तो उन वर्म के अंदर मखसूस नब्ज होती है, बहुत सारी उम्रें हैं उन उम्रों के अदवार से उनकी नब्ज होती है, बच्चों की नब्ज अलग है, बड़ों की नब्ज अलग है, हामिला खवातीन की नब्ज अलग होती है। ये सारी नब्ज़ें हमारे लिटरेचर में बयान भी है, और अतिबा अपने अपनी महारत के अतबार से तशखीस मर्ज़ के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। बीमारियों के लिहाज से जैसे मान लीजिए कब्ज़ की नब्ज़ है, कब्ज़ की नब्ज़ जो है बहुत वो उसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है और स्ट्रोक उसका ज़रा पावरफुल होता है। इसी तरह से लिकोरिया की नब्ज़ है, लिकोरिया की नब्ज़ में एकदम सूरत होती है और सूरत के साथ साथ उसमें इख्तलाफ होता है, उसको नब्ज़ पे हाथ रखते ही हम उसको बता देते हैं कि साहब ये लिकोरिया की नब्ज़ है, या जरियान की जो धातुवात की शिकायत लेके आते हैं मरीज़ उनकी, या खांसी आ रही है उनकी। इस तरह की मुख्तलिफ नब्ज़ें हैं, और नब्ज़ों की जो मरक्कब किस्में हैं मुफरद मरक्कब मानी जाती है, मुफरद तो 10 किस्में हैं कोई, और मरक्कब जो किस्में हैं वो कोई 27 के करीब हैं। इस सिलसिले में एक बात ये भी काबिल ज़िक्र है कि मरीज़ ये समझता है कि हकीम साहब ने सिर्फ उसकी नब्ज़ देखी, हालांकि हकीम साहब ने जब वो कमरे में दाखिल हो रहा था तो उसके चलने का अंदाज़ भी देखा और उसका चेहरा भी देखा, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है ये भी देखा, वो जब आके बैठा और उसके बताने का अंदाज़ भी देखा और उसके साथ साथ उसकी नब्ज़ भी देखी। इन चीज़ों से सारी मालूमात हासिल होती है और ये सारी चीज़ें तशखीस अमराज में मुआविन साबित होती हैं। मर्ज़ को आइडेंटिफाई करने में मरीज़ की नब्ज़, मरीज़ की आँखें और मरीज़ का की ज़ुबान और उसका पूरा हुलिया इस बात की तरफ रहनुमाई करता है और मदद करता है कि इसके जिस्म में कौन सी खिलत गालिब है। एक डिटेल्ड असेसमेंट के बाद ही हकीम मरीज से बातचीत करता है। रुदारे मरीज यानी केस हिस्ट्री लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि बीमारी की सही पहचान की जा सके। देखिए जहाँ तक इलाज मुआलजे का सिलसिला है वो चाहे तिब्बे यूनानी हो या कोई और पैथी, बग़ैर इम्तहान मरीज़ रुदाद मरीज़ कोई भी तशखीस मुकम्मल नहीं हो सकती। मरीजों की रुदात जो है वो पूरी कहानी उसकी सुनी जाती है और उससे इस नतीजे पहुंचा जाता है कि ये तकलीफ़ कितने दिनों से है, ये तकलीफ़ कहीं ख़ानदानी तो नहीं है, या इस तकलीफ़ ये तकलीफ़ कहां से आई है। जो भी मरीज़ आता है हम सबसे पहले उसके फेस रीडिंग देखते हैं और उसके नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ के मुताबिक भी पता लग जाता है कि मरीज़ किन कैफियत से किन हालात से गुज़र रहा है। उसके मुताबिक हम उसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री लेने के बाद बहुत कम इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पेश आती है जिससे हम कन्फर्म करें कि असल मर्ज़ क्या है। इसे मरीज़ को दाखिल होने के बाद उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए यानी फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए, मरीज़ का मुआयना किया जाए और मरीज़ के मुआयने के बाद फिर तशखीस की जाए। यानी बग़ैर मरीज़ की रुदात के हम ये जान ही नहीं सकते कि मरीज़ के अंदर क्या तब्दीलियाँ कब से वाकई हुई और उनके लिए मरीज़ ने क्या क्या कोशिशें की और मरीज़ किस हद तक अपनी उन कोशिशों में कामयाब हुआ और अपने मर्ज को दूर करने में उसको जो है मदद मिली। उसके बाद फिर जो है उसका इम्तिहान मौजूदा वक्त में उसके अंदर क्या तब्दीली वाकई हुई है, क्या उसके अंदर मिल रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जामिनेशन के बगैर काम नहीं चल सकता। और तीसरा तरीका फिर जो है उसके लिए तशखीस के लिए ज़रूरी है वो है तफातीश या इन्वेस्टिगेशन। तशखीस के मौजूदा दौर के जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं इनके ईजाद से पहले अतिबा कराम मरीज़ का नज़री मुआयना करके या हाथ से छू करके, टटोल करके, फूंक बजा करके और ख़ास तौर से नब्ज़ के ज़रिए से बौल व ब्रास को देख करके और कई मरतबा बलगम का मुआयना कर करके बीमारियों की तशखीस किया करते थे। इस ज़माने में हम उन सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो लैब इन्वेस्टिगेशन जिनको कहा जाता है, यानी कुछ खून और पेशाब, ब्रास, बौल व ब्रास का इम्तहान भी कराया जा सकता है। ये चीज़ें हमारे यूनानी के हिसार से बाहर नहीं है। अब इन सब मशीनरी और इक्विपमेंट्स का सहारा अब अतिबा भी लेने लग गए हैं ताकि बीमारी की तशखीस जो है पूरी तरह से हो सके, ताकि उसका मुआलजा भी अच्छी तरह से किया जा सके। बेसलाइन बनाने के लिए अगर हम मान लीजिए सिर्फ नब्ज़ देख करके या कुछ हाल चाल पूछ करके उनके जो है दवाएँ लिख दें और फ़ायदा हो जाए तो लोग मानेंगे नहीं। इसीलिए इस ज़माने में
हमारे पास जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पैथोलॉजी लैब और बायोकेमिस्ट्री लैब मौजूद है, उसमें हम उसकी पूरी तरह से जांच करवाते हैं। जांच करवाने के बाद जब तशखीस मुकम्मल हो जाती है, फिर उसके बाद हम दवा शुरू करते हैं। नब्ज के अलावा यूनानी तिब में दो और तफ्तीश के तरीक़े हैं जिनके ज़रिए बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। इनमें से पहला है बॉल और दूसरा है बराज। आइए जानें अपने माहिरीन से। कारूरा कहा जाता है, वो कारूरे की कई किस्में हैं। उसमें रंग के हिसाब से देखा जाता है, भू के हिसाब से देखा जाता है, कवाम के हिसाब से देखा जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों में रंग भी तब्दील हो जाता है, कवाम में भी तब्दीली हो जाती है। जैसे जैसे रंग जर्दी मायल बढ़ता जाता है, टिब की नज़र में ये समझा जाता है कि ये हरारत की तरफ यानी गर्मी की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है। तो इस लिहाज से हमको कारूरा देख करके अंदाज़ा हो सकता है कि मरीज़ के बदन के दर्जा हरारत कैसी है। उसी से बीमारियों का अंदाज़ा होता है कि इस बीमारी में क्या चीज़ तब्दीली आती है उसके अंदर, बोल के अंदर, और उसी बेस पे उसको असेस किया जाता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है। इस वक्त मरीज़ यहाँ पर एडमिट है, वो ज़्यादातर जो है फालिज के एडमिट हैं या फिर उनके जो है दिमागी मराज के एडमिट है, जिसके अंदर जो है बलगम की ज़्यादती होती है। तो हम ऐसे मरीज़ों को मुंजज बलगम देने के बाद फिर देखते हैं कि इनके जो है इनके जो बॉल है उसके अंदर क्या अलामत आ रही हैं, नुस्खी अलामत आ रही हैं नहीं आ रही। क्योंकि मुंजज बलगम देने के बाद जो अलामत नुस्खी आती हैं वो हम बॉल से पता कर पाते हैं। फिर एक बार जब मादा जो है पक जाता है, मादा जो है नुज़ुज पा जाता है, तो मादे के नुज़ुज होने के बाद फिर हम दवाओं से उसका तनकिया करते हैं, जिससे जो है बीमारी का इजाला करते हैं। जैसे हम देखें कुछ पेशेंट यहाँ पर अभी एडमिट हुए हैं तो उनके जो बॉल का रंग है वो दूसरा है। जैसे ये पेशेंट जो है सिर्फ 3 दिन पहले एडमिट हुआ है तो इसके बॉल के अंदर नुज़ुज की कोई अलामत नहीं है। इस बॉल का रंग जो है सफ़ेदी माइल है, इसके अंदर थोड़ी गलजत है, और इसके अगर हम रसूख देखें तो इसके रसूख भी थोड़ी देर तक कायम रह रहे हैं। मतलब कि मादा इसके अंदर जो है कोई गलीज मादा मौजूद है जिसकी वजह से इसके रसूख इस वक्त मौजूद हैं। इसके बलमुकाबले हम देखें पेशेंट जो है जो पिछले 15 दिन से दवा खा रहा है, तो इसके बाद हमें लग रहा है कि इस मरीज़ के बॉल के अंदर जो है नुज़ुज के अलामत मौजूद हैं और इसका रंग तब्दील हो रहा है। इसके अलावा जो है इसके अंदर कोई कदूरत नहीं है, ये कारूरा शफाफ है, इसका रंग जो है वो तिबनी की तरफ मायल है। अगर पेशाब ग्रीनिश है यानी वो हरेपन में ज़्यादा है तो उसमें इम्कान ज़्यादा होते हैं कि वो इन्फेक्शन है, तादिया है, तो उसके लिए भी हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट करा के देख लेते हैं। इसी तरह से रंग के और रसूख के अलावा कारूरे का जो है वो उसकी मकदार के ऊपर, उसकी भूख के ऊपर भी जलालत की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कारूरे की मकदार इस पर मुनसर करती है कि मौसम क्या है, पानी कितना पिया जा रहा है, यानी बदन के अंदर हाइड्रेशन कितना है। पेशाब उसको बार बार आ रहा है और ज़्यादा मकदार में आ रहा है तो हमें महसूस करते हैं कि मुमकिन है कि इनको ज़्यादा सुकरी की बीमारी हो, तो उसके लिए भी हम जाँच कराते हैं। पेशाब से पहले जलन होता और हर 2-2.5 घंटे में एक वक्त पेशाब करना पड़ता है। अगर पेशाब करने में देरी हो गई तो कंट्रोल से बाहर पेशाब कपड़ों में हो जाने का खौफ रहता। मुझे इनकी दवाइयों से फ़ायदा हुआ है। एक चीज़ जो बीच में माने दरमियान में हायल है वो ऑब्स्टेकल, वो उम्र का तकाजा है। वो उम्र जैसा आदमी की बढ़ती रहती है डीजनरेशन होता है। बोल और बराज की जाँच भी तशखीस का एक ज़रूरी हिस्सा है। खान पान की तासीर और वक्त की खासी अहमियत होती है। बोल और बराज की मुकम्मल जांच करने के बाद ही मर्ज को ठीक से समझा जा सकता है। तो दूसरा अहम जो हिस्सा है वो बराज का है। बराज कहते हैं इजाबत को, यानी जो रोज़ाना आदमी को इजाबत होती है, खारिज होता है बदन से। जैसा कि हम जानते हैं कि एक तबई अखराज जो है वो कैसा होना चाहिए और हम उसको देख करके कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई बीमारी के अंसुर हैं या नहीं हैं। बराज में ऐसा है कि जैसे मुख्तलिफ किस्म के ये आम मुशाहिदा है कि किसी को पेचिश होती है तो उस तरह का बराज अलग होता है कि उसमें आव भी आ रही है, शुद्धा सा भी हो जाता है। मरीज़ों को जो सबसे ज़्यादा शिकायत मिलती है वो दो ही मिलती हैं कि या तो बॉल जो है वो रकीक है या बहुत ही जिसको कहते हैं कब्ज़ की शिकायत है, बहुत ही शकील है। अगर उसको डायरिया है यानी इसहाल है तो उसमें पतले से दस्त आते हैं, कभी पीले होते हैं, कभी पानी की तरह होता है, कभी सलाइन की तरह होता है। बोलो बराज की भी जांच करवा के देखते हैं कि उसमें रूटीन में क्या पोजीशन है, माइक्रोस्कोपिक पोजीशन क्या है उसकी। नज़री मुआयना के बाद देखना होता है कि क्या रंगत है उसकी, क्या बीमारी हो सकती है। तो इसलिए बराज की अहमियत इस माना में भी है कि हम ये देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया मरीज़ का इस्तेहलाए बदनी जो है वो तबई की तरफ है या नहीं है। अगर तबई की तरफ नहीं है तो बराज के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रुनमा होने लगेंगी और नतीजतन हमें
कुछ तशखीस में मदद मिल सकेगी कि ये मर्ज़ किस तरह का हो सकता है। इसके अलावा इंसान के अखलातों और मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस्म के चारों अखलात और असबाब सित्ता ज़रूरिया का आपसी तालमेल बेहद ज़रूरी है। कुल मिलाकर ही ये सब तय करते हैं कि आगे चलकर इंसान को कौन सी बीमारी होने का ख़तरा है। अखलात का नज़रिया हमारी तबीबी यूनानी का अहम नज़रिया है और इसका बानी बुकरात है। सबसे पहले बुकरात ने इस नज़रिए को दिया था और उसने बतलाया था कि जिसमें तीन तरह की चीज़ें होती हैं, जितने ठोस चीज़ें होती हैं वो आज़ा कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं, और जितने तरल पदार्थ होते हैं वो अखलात कहलाते हैं, और जितने हवाई चीज़ें होती हैं वो अरवाह कहलाते हैं। दरअसल ये बात समझने की ज़रूरत है कि यूनानी तरीक़े इलाज में ये बात तस्लीम की जाती है और हज़ारों साल के तजुर्बे से ये बात साबित हो चुकी है कि इंसान के जिस्म में चार अखलात पाए जाते हैं जिनको अंग्रेज़ी में ह्यूमर्स कहा जाता है, जिनमें से एक खून है, एक सफरा है जिसको पित्त कहते हैं, और एक सौदा है जिसको ब्लैक बाइल कहते हैं, और एक बलगम है। अखलात वही हैं जो रगों के अंदर पाए जाते हैं, रगों के बाहर पाए जाने वाले अखलात नहीं हैं। खून हार रतब है, सफरा हार याबिस है, बलगम बारिद रतब है, और सौदा बारिद याबिस है। ये चार ह्यूमर्स, ये चार अखलात, ये जब इंसान के जिस्म में नॉर्मल होते हैं अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के एतबार से तो इंसान का जिस्म नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन जब इन में से कोई एक भी ह्यूमर या एक भी खिल्त अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी में डिस्टर्ब हो जाती है और वो एबनॉर्मल हो जाती है तो उससे रिलेटेड बीमारी होती है। मिसाल के तौर पर सफरा जिसको येलो बाइल या पित्त कहते हैं, वो जिस जिस्म में एबनॉर्मल हो जाता है यानी उसका एक्सेस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उसका बनना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर गर्म और खुश्क बीमारियाँ उस जिस्म में लाहिक होने लगती हैं, जैसे सोरियसिस है, जैसे एक्जमा है, जैसे ख़ारिश है। ये ज़्यादातर येलो बाइल के डोमिनेशन की वजह से होती हैं और येलो बाइल का मिजाज और टेम्परामेंट है ड्राई एंड हॉट। कि मेरा रोग ऐसे कैसे हो गया वो हमें जानकारी ना है, कोई फायदा नहीं बुझाया, तो आज हमने यहाँ आ गए। नोचनी सारी बदन में लगता है, खुजलाहट जाते हैं, नींद नहीं आती है, चिंता में रह जाते हैं, रातों रात भर नींद नहीं आती है, उठ बैठ करके खाँकते भी है, नोचते भी है, और ये रात दिन सुचिंता से लगता है कि कब हम मर जाऊँ, कभी क्या हो जाऊँ, हमको हकल काम नहीं करता, दिमाग में पागल जैसा लगता है। हम यही चाहता हूँ कि हमें किसी तरीके से यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल में, मैं अच्छा होकर के घर चले जाऊँ तो और बढ़िया बात है। महसूस करता हूँ कि कहीं लोग बाग जगह उठने बैठने में हमको शर्म लगता है, इसी वजह से। लिहाजा ऐसे मरीज से हम ये कहते हैं कि वो गर्म और खुश्क चीज़ों से परहेज करे। खाई हुआ खा जाती बहुत, खाई बहुत आती थी, है तो कुछ कम है, इलाज करने कुछ कम है, एक साल से मेरा आराम नहीं था, आराम हो गया है। हम मरीज को देखते हैं फौरी तौर पर, उसकी कैफियत देखते हैं, उससे हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद फिर उसको तशखीस करा के और दवाएं देते हैं। कभी कभी एक ही मर्ज के दो मरीज़ होते हैं लेकिन दवा मुख्तलिफ होती है, चूँकि दोनों का सबब अलग होता है। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ नज़ले की शिकायत लेकर आता है और दूसरा मरीज़ भी नज़ले की शिकायत लेकर आता है, लेकिन एक को मिजाज में हरारत की वजह से नज़ला हुआ है और एक को मिजाज में बरूदत के गलबे की वजह से नज़ला हुआ है। इसलिए हरारत और बरूदत यानी गर्मी और सर्दी सबब है, लिहाजा जो गर्मी का सबब है जिस मरीज़ में, उसके लिए दूसरी दवाओं का इंतखाब होगा, और जिस मर्ज का सबब सर्दी है और बरूदत है उसका इलाज बिल्कुल दूसरी दवाओं से होगा। यूनानी तिब में इंसान के मिजाज और तबीयत पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। जब तक कि मरीज़ के मिजाज की पूरी तरह से शिनाख्त ना कर ली जाए, किसी भी तरीके के इलाज की शुरुआत नहीं की जाती, और यही वजह है कि ये इलाज हर मरीज़ के लिए एक अलग और नए तरीके से ही तैयार किया जाता है। यूनानी की बुनियाद जो है वो मिजाज के ऊपर है। हम आम जबान में लोगों को समझाने के लिए एक बात ये कहते हैं कि यूनानी के अंदर मरीज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाता। हमारे सामने वो पूरा मरीज़ होता है सर से पैर तक, कोई एक खसूसी मर्ज़ नहीं होता, और हमारे सामने उस पूरे मरीज़ का मिजाज होता है। तबीयत इंसानिया एक तिब्बे यूनानी का अहम नज़रिया है, और इस नज़रिए ये नज़रिया एक ऐसा नज़रिया है जो
दूसरे तिबों में नहीं मिलता, बल्कि कुछ न कुछ दूसरे अतिबा दूसरी तिबों में किसी और नाम से, जैसे आयुर्वेद में प्रकृति के नाम से और मॉडर्न में जो है फिजिक्स के नाम से ये नज़रिया मिलता है। यानी मुख्तलिफ वक्तों में पैदाइश से लेके मौत तक तबीयत जो है कुछ ना कुछ काम करती रहती है, आखिर वक्त तक ये कोशिश करती रहती है कि इंसान ज़िंदा रहे। तो यूनानी में अमराज मज़मूना में ये चीज़ बड़ी मुआविन होती है कि हम पूरे मरीज़ का बहसियत मजमू उसका मिजाज का तयन करें, उसके मिजाज के एतबार से अगर मिजाज के अंदर कोई ख़राबी वाकई हुई है उस खराबी को ठीक करें बहसियत मजमू पूरे मरीज़ की। अगर ये मिजाज सही रहेगा तो इंसानी जिस्म में सेहत रहेगी, और अगर ये मिजाज ख़राब हो जाएगा तो इंसानी सेहत भी ख़राब हो जाएगी, और जब तक ये खिल जिस्म के अंदर बाकी रहेगी इंसान जो है ज़िंदा रहेगा। उसके बाद जब ये खिल जो है खुश्क हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो इंसान भी ख़त्म हो जाता है। असबाब सत्ता ज़रूरिया ये वो 6 ज़रूरी उसूल हैं जिनका सीधा रिश्ता इंसान की सेहत या बीमारी से है। ये वो कवानीन हैं कि जिन पर अगर हम कायम रह सके तो हम कई बदनी और दिमागी तकलीफ़ों से बचे रह सकते हैं। तिब का जो दारोमदार है वो चूँकि होलिस्टिक अप्रोच है उसकी, और उसमें पूरे बदन को एक यूनिट के तौर पर मान करके उसके असलाह और उसके बारे में सोचा जाता है। इसलिए जो भी बदन में बीमारियां पैदा होती हैं, जो भी तकयूर तब्दीलियां आती हैं, उनके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं जो तिब बयान करता है, और उनका नाम मजमूई तौर पर असबाब सत्ता ज़रूरिया कहा जाता है। ये 6 वो असबाब के जिनकी रोशनी में हम बदन के बारे में सही बात समझ सकते हैं। असबाब सत्ता ज़रूरिया ये एक लाइफ स्टाइल का के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर असबाब सित्ता ज़रूरिया हमारे प्रॉपर हैं तो फिर हमारी लाइफ स्टाइल प्रॉपर है। असबाब सित्ता ज़रूरिया में एक तो हवा का तसव्वुर बताया जाता है, दूसरा माकूल मशरूब यानी खाने पीने की शय, तीसरा सोने का टाइम उसका होना चाहिए, आराम करने का टाइम होना चाहिए, और उसके अलावा का तो सुकून बदनी यानी फिज़िकल एक्टिविटीज़, दूसरा हर का तो सुकून नफसी यानी कि मेंटल और साइकोलॉजिकल अवामिल हैं, और आखिरी जो है वो है इस्तफराग व इस्तबास, यानी कि जो बदन में जिन चीज़ों को रुकना चाहिए वो रुकें और जिनको निकल जाना चाहिए वो निकल जाएं। ये सारी चीज़ें तिब में पहले ही से मौजूद हैं कि असबाब सित्ता ज़रूरिया पे अगर आप कायम हैं तो ठीक है, सेहत की बका रहती है। असबाब सित्ता ज़रूरिया का मतलब ये है कि हम खाना प्रॉपर वक्त पर खाएँ, जो कुछ खाना चाहिए वो हम खाएँ, हमको प्रॉपरली सांस की हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजनेटेड एयर की ज़रूरत है, लिहाजा हमको सुबह के वक्त जहाँ पोल्यूशन ना हो जिस एयर में, वो एयर हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करना चाहिए ताकि हमारे लंग्स और जो ब्रोंकियोल्स हैं वो खुलें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँच सके। इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी तभी ब्लड प्योरीफाई होगा, और जब ब्लड प्योरीफाई होगा तभी ऑर्गन्स का न्यूट्रिशन होगा, और ऑर्गन्स का न्यूट्रिशन होगा तो प्रॉपरली इंसान का जिस्म जो है वो सेहतमंद रहेगा। तो तिब यूनानी का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये तरीका है कि असबाब सित्ता ज़रूरिया को सामने रख करके सेहत के बारे में मालूमात रखें, और जो पैरामीटर या जो तरीके बताए गए हैं उनके तहत वो अपने आप को परख लें कि हम सेहतमंद हैं या नहीं हैं, और बेहतर यह है कि अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए असबाब सित्ता ज़रूरिया का बेहतर इस्तेमाल जितना वो कर सकते हैं, जितना उनकी मालूमात है उतना उनको करना चाहिए। तो आज की इस कड़ी में हमने यूनानी तरीक़ा इलाज में काम आने वाले तशखीस के तरीक़ों के बारे में समझा और जाना, जहाँ एक तरफ नब्ज बोलो बराज जैसे तरीक़ों को ख़ास अहमियत दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ मिजाज तबीयत और अखलाक का असबाब सित्ता ज़रूरिया के साथ के तवाज़ुन पर भी बहस की जाती है। एक सही डायग्नोसिस ही पूरे और पक्के इलाज की नींव है, और एक माहिर तबीब को दिखाने के बाद ही सही तरीक़ा इलाज का आगाज़ हो सकता है। तो आज की इस कड़ी में बस इतना ही। आप सभी की तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की दुआ करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट की। खुदा हाफिज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। ए,
फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नारी शक्ति पुरस्कार। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए दरख्वास्तें नामजदगियाँ तलब की हैं। ये अवार्ड खवातीन को बाइख्तियार बनाने, ख़ास तौर पर कमज़ोर और पसमानदा खवातीन की भलाई के लिए काम करने वाली शख्सियात को दिया जाएगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें नामजदगियाँ www.awards.gov.in पर 31 अक्टूबर 2022 तक भेजी जा सकती हैं। नारी शक्ति पुरस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनवाइट्स एप्लीकेशंस नॉमिनेशंस फॉर नारी शक्ति पुरस्कार 2022। अवार्ड्स टू बी कन्फर्ड टू इंडिविजुअल्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विस टुवर्ड्स द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड वुमेन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस नॉमिनेशंस आर ओपन अप टू 31st October 2022 on www.awards.gov.in। कैसा लग रहा है मैडम फेशियल? कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर, बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ DD उर्दू पर। शूटिंग सेट पे ना फैशन डिजाइनर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है, मैंने ना गीत का नाम बोल दिया। मुझे आपसे एक रोल चाहिए। ये बनवारी अंकल के एक्टिंग करने वाले हैं क्या? एरोबिक पुलिस कांस्टेबल बना दिया है ने। जब तक आपका मैकेनिक आता है कुछ एक्सेसरीज दिखा दीजिए। चले आइए आइए। चॉकलेट एक काम कर, जल्दी गैराज पहुँच। दूर से नमस्ते। खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथ हैं। उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं, इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। हर रविवार शाम 7 बजे DD नेशनल पर। इसे कहते हैं संगीत। आजकल के बिगड़ा लोगों को फोन से फुर्सत मिले तो समझेंगे ना कि संगीत क्या होता है। टुडेज जनरेशन इज दादू। खोज इनके ऐसे ही एक लव्य की, जिसका अंदाज वही पर आवाज नई। लग जा गले से। सुनो का एक लव्य, सुनो का एक लव्य। नाज़रीन, DD उर्दू से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। DD उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब का आईना। DD उर्दू, जिसमें रची बसी है हिंदुस्तान की खुशबू। जुड़िए हमसे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। आपके ईमेल, कमेंट्स और मशवरे का
हमें इंतजार है। हमारा फेसबुक पेज है डीडी उर्दू चैनल, हमारा ट्विटर हैंडल है उर्दू दूरदर्शन, और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं urdu_दूरदर्शन के नाम से। आप हमें अपने मशवरे भेज सकते हैं DDUrduFeedback@gmail.com पर।